वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हूँ अपने गांव में और मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पे चिकन, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग रेडी हैं? और जिन लोगों ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं देसी स्टाइल पे चूल्हे में चिकन। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो काम जिंदगी में नहीं किया वो काम करना पड़ रहा है। किन किन लोगों ने चूल्हे में खाना बनाया प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। खाना हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल जो गांव में बना हुआ है, डब्बे वाला नहीं है। डालो, ये है मेरी देवरानी। अच्छा नहीं है, वैसे ही रियल आता है, समझी? फैशन मत करो, मैं तो वैसे बैठी हूँ। मेरी देवरानी जो तेल डाल रही है, ब्राह्मण देवरानी है ये। हाँ, और डालो दाल। अरे दाल नहीं है, बोलेगा पूरा चिकन है, पूरा डाल दें इसमें? नहीं है, पूरा डाल दें। और चाहिए? नहीं, पूछ कर, पूछ कर दे, पूछ कर दे। तैयार होने के बाद वीडियो कभी अच्छा नहीं आता, जितना ना दिखा। कढ़ाई पे मत जाना क्योंकि कढ़ाई बहुत गंदी है और ये नॉनवेज वाली कढ़ाई है। गांव में हमेशा अलग बर्तन में खाना बनता है, तो ये कढ़ाई बहुत गंदी है, इसलिए मत बोलना किसी गंदी कढ़ाई में खाना बना रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो मैं ये तो सारा प्याज इसमें डाल दूँ। बंद कर दो, प्याज गर्म है। अब मैं डालने जा रही हूँ चिकन। चिकन डन हो चुका है, प्याज अपने प्याज आटा डाल के रख देगी क्या? ठीक है, भाई लोग रउआ से अपना घर में चिकन बनाई और मेहरारू के खियाई, जिंदगी खुशहाल बनाई। भोजपुरी गाना भी चल रहा है, सुनिए, एंजॉय कीजिए और चिकन की रेसिपी देखते रहिए। अभी मैंने इसमें नमक डाला है। देसी मुर्गा में बहुत टाइम लगता है भाई, मैं किचन में हमें
हो गया लग रहा है, यमी है ना। बहुत ज्यादा यमी लग रहा है ना, बहुत। देखो तीखा तो तीखा नहीं है। देखो हम लोग इसे खरीद के यूज करते हैं शहर में, है ना भाभी? हाँ। अमेज़न में मिलता है 5 रुपए का एक, 10 रुपए का एक। अभी इसमें पानी डाला गया है और अभी इसको हम लोग बॉईल करेंगे। पकने के लिए टाइम है अभी, मैं इसको 2 घंटे से बना रही हूँ। जब पक जाएगा सब, जब सब लोग खाएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे बैठ के खाया जाता है, गांव में कैसे बैठ के खाया जाता है। कौन मैं? पापा क्या बोल रहे? खुद पापा अच्छे से बुझ रहा था वो समस्या पापा के साथ। 10 किलो 1-2 किलो बढ़ रहे कम कम पर। हाँ समस्या से गुजर रहा हूँ तो जानते हो क्या मैं समस्या का बात। कैसा है चिकन? तीखा है क्या? तीखा नहीं है। मिर्ची दूध बढ़िया आज बनाया बोल रहा देसी मुर्गा है इसीलिए बढ़िया लगा। हाँ धीरज ही बता पाएगा। धीरज इधर देखिए कैसा है। आप बताइए। बहुत बढ़िया। बस इतना ही। गमछा तो ऐसे उतारा जिससे बहुत बड़ा कमेंट देने वाले हैं। बता रहा है बहुत बढ़िया बना है, थोड़ा तीखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तीखा होना चाहिए था, मैंने तो भाभी को टेस्ट करवाया था। बच्चे नहीं खा पाते ना। चिकन कट भी गया, चिकन बन भी गया, चिकन खा भी रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।